हमने सर ऐसा तो पहले नहीं किया ना, हमने सिर्फ जो आर्ग्यूमेंट्स थे उनको डिफाइन किया था ना फॉर्मूला के अंदर। बेसिकली क्या है कि फंक्शन हम पढ़ना स्टार्ट तो किए, आज तो दूसरी क्लास आई फंक्शन की, तो कैसे अच्छा करें, अच्छा 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 वही चीज ठीक से है। फंक्शन भी होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लासेस, जो कि एक्सेल वीबीए माइक्रो पावर प्रोग्रामिंग में हम चैप्टर है फंक्शन का, और फंक्शन पे हमारी ये दूसरी क्लास है। इससे पहले एक क्लास में हमने फंक्शन पे ये बताया था किस तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं फंक्शन को, डिक्लेयर करते हैं और बनाते हैं। साथ में हमने आपको एक आर्टिकल दिया था पढ़ने के लिए, कि आर्टिकल को आप पढ़े ताकि जब हम उस फॉर्मूले को करें तो आपको समझ में आ जाए। तो आर्टिकल बहुत बड़ा था क्या सर, तो उसको पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल था एक दिन में, तो हमने आपको बताया कि उसको हम लोग कैटेगरी के हिसाब से पढ़ेंगे। तो क्या आप लोगों ने किस कैटेगरी को पढ़ा है? सर स्ट्रिंग टेक्स्ट वाली को। ओके, चलिए स्क्रीन और टेक्स्ट फंक्शन की हम बात करते हैं। इसमें सारे फंक्शन सीखने लायक नहीं है, क्योंकि बहुत सारे फंक्शन ऑलरेडी हमारे एक्सेल को है, लेकिन फिर भी कुछ फंक्शन है उसको सीखते हैं। जैसे देखिए एएससी और सीएचआर, ये क्या है एक्सेल में, जब आप याद होगा फॉर्मूला जब सीखा था तो आपको सीएचआर मतलब कि कैर का फॉर्मूला था हमारे। यहाँ पे नंबर सॉरी एएससी मतलब कि कोड था, मैं कोड देता हूँ, और कैर जो था वो हमारा करेक्टर था। तो एएससी हो जाता है कोड फॉर्मूला, जो कि स्काई वैल्यू रिटर्न करता है। आप इस पे क्लिक करके देखेंगे तो इसके बारे में भी आपको बताएगा। और सीएचआर क्या करता है कि वो करेक्टर रिटर्न करता है बेस ऑफ स्काई वैल्यू। तो क्या इसका यूज क्या होगा, तो चलिए हम इसका यूज बताते हैं। तो हम एक ऐसा फंक्शन बनाना चाहते हैं जो कि हमारे करेक्टर के साथ कुछ नंबर लिखा हुआ है, तो सिर्फ नंबर को एक्सट्रैक्ट करे। समझ गया, हम चाहते हैं सिर्फ नंबर को एक्सट्रैक्ट करे। चलिए इसके लिए फंक्शन बनाते हैं। तो यहाँ पे हम मॉड्यूल्स पे आते हैं और यहाँ पे देते हैं फंक्शन, फंक्शन का नाम रहता है रिटर्न नंबर, RE_NUM कर दिया, ठीक है, और n एज ए हमने स्ट्रिंग कर दिया, ब्रैकेट में ये फंक्शन का डिक्लेरेशन हमारा हो गया। अब कैसे इसकी कैलकुलेशन कैसे करें, तो आप चलिए एक बार मैं एसी फॉर्मूले को यहां पे खोलता हूं। अब एसी फॉर्मूले में यहां पे स्काई वैल्यू टेबल है, इसको हम टेबल को भी खोल लेते हैं। ये रहा स्काई वैल्यू टेबल कि आपका क्या डालने पे क्या नंबर आएगा। जैसे यहां पे देख रहे हैं आपको 0 0 नल होता है, एज कैरेक्टर है आपका। इसी तरह से आप देखेंगे यहाँ पे आपका 33 से स्पेशल कैरेक्टर स्टार्ट हो रहा है, और फिर 48 से आपका नंबर, और आपका 58 से आपका कैरेक्टर जो कि 127 तक गया है। मतलब कि आप यहाँ पे जो हम 58 to 127 के बीच में किसी भी नंबर पे अगर हम CHR का फॉर्मूला लगाते हैं तो क्या रिटर्न करेगा, वो करेक्टर रिटर्न करेगा। अगर इससे 58 से नीचे करते हैं तो फिर वो नंबर रिटर्न करेगा। तो बेसिकली क्या है कि मुझे इसके अंदर A से लेके Z तक बड़ा और छोटा सारे करेक्टर को रिप्लेस कर ब्लैक से मतलब डिलीट कर देना। तो हम ये चाहेंगे कि पहले कि वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट का फॉर्मूला चले। आप सब्स्टिट्यूट में इसको हम बोलेंगे कि भाई ए को रिप्लेस करो किससे, ब्लैंक से, फिर बी फिर डी फिर ई एफ, ऐसे हम करेक्टर को रिप्लेस करेंगे। तो इसके सर लिए अगर मैं हम बोले सर अगर जैसे ए के साथ ए कॉमा बी कॉमा सी अगर जेड तक लिख दें तो
तो क्या ये पूरा रिप्लेस कर देगा नहीं, और 2512 अलग से दे देगा? क्योंकि सब्स्टिट्यूट एरे को सपोर्ट नहीं करता है। सर ये जैसे जहां ए लिखा है उसके बाद कॉमा डाल के कर दे तो भी नहीं करेगा? नहीं, जस्ट नहीं करेगा, एक ही वैल्यू ओके ओके एक बार में एक ही करेगा वो, फिर वो ए और कॉमा ढूंढेगा उसमें। ओके तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लूप लगाएंगे। तो लूप चलेगा हमारा कि 4i इक्वल टू चले 58 to 127, ठीक है। और फिर यहाँ पे करते हैं n एज ए सॉरी यहाँ पे dim r एज ए स्ट्रिंग और r यहाँ पे r इक्वल टू n कर देते हैं और r इक्वल टू, अब देखिए आपका हमारा सब्स्टिट्यूट फॉर्मूला एक्सेल को सपोर्ट तो नहीं करता है क्या? तो यहाँ पे जो हमारा फंक्शन लिस्ट है जो कि आपने पढ़ा था क्या थे, उसमें यहाँ रिप्लेस करने के लिए देखिए यहाँ रिप्लेस का फॉर्मूला है, रिप्लेस द सीक्वेंस ऑफ द करेक्टर द स्ट्रिंग द अनदर सेट ऑफ द करेक्टर, मतलब कि आपका सब्स्टिट्यूट फॉर्मूला वीवीएम में रिप्लेस बन जाता है। तो मैं यहाँ पे रिप्लेस फॉर्मूला लगाऊंगा रिप्लेस, और इसमें आता है कि भाई किसके अंदर, तो आर के अंदर क्या करना है, तो हमने बोला सी एच आर कैर जो यहाँ सी एच आर है उसमें हमने बोला आई, तो जो नंबर आई है उसको कन्वर्ट करेगा करेक्टर में और फिर उसको रिप्लेस करेगा किस से, तो ब्लैंक से, मतलब कि नथिंग से। और एक कब तक चलेगा, 58 से 127 तक चलेगा, मतलब कि आर पे क्या बच जाएगा, सिर्फ नंबर बच जाएगा, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पे आर ई अंडरस्कोर एन यू एम इक्वल टू हमने आर कर दिया। अब एक बार इसको अप्लाई करके देख, नेक्स्ट आई होगा सर। अच्छा नेक्स्ट आई होगा, एक मिनट देख लीजिए एरर दे। हाँ नेक्स्ट आई करने की जरूरत नहीं है, अब नेक्स्ट भी लिख देंगे चलेगा। आ गया सर, हेलो। हाँ जी सर, सर यहाँ पे रिप्लेस जो आपने यूज किया है हाँ? तो एप्लीकेशन डॉट ये नहीं डाला कि कंफ्यूजन है कि आपको मैंने लिस्ट आपको सर म्यूट कीजिए प्लीज, लिस्ट दिया कि रिप्लेस फॉर्मूला यहाँ वीवीए को सपोर्ट करता है, इसलिए तो मैंने आपको लिस्ट दिया ताकि आपको कंफ्यूजन दूर हो जाए कि कौन कौन फॉर्मूले को डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, जैसे आप लिखेंगे लिखते ही आप ब्रैकेट ओपन करेंगे एक्सप्रेशन आ जाएगा, अब यहाँ सब्स्टिट्यूट रख लिखिए एक्सप्रेशन नहीं आएगा। और ये रिप्लेस फॉर्मूला आपका एक्सेल का रिप्लेस फॉर्मूला नहीं है, एक्सेल के रिप्लेस फॉर्मूले में क्या है, पोजीशन को रिप्लेस करता है, ये वीवीए का रिप्लेस फॉर्मूला है, समझ गए? कोई डाउट सर? नहीं सर, ठीक है, समझ गया। अब क्वेश्चन आता है इनके ऊपर, आई थिंक मैंने पूछा था सर, भेजा था धीरज जी, अब धीरज जी ये प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं आपके ऊपर। धीरज जी ने पूछा, बोला कि कोड भेजा कि उन्होंने फंक्शन के आगे एज ए क्यों लिखा हुआ है, एज ए लॉन्ग क्यों लिखा हुआ है। देखिए हमने एज ए लॉन्ग कर दिया मतलब कि आर ई जो है, आर ई नम जो वेरिएबल है वो लॉन्ग हो गया। ऐसा क्यों किया, अभी आप देखिए कि हमारा नंबर रिटर्न हुआ है टेक्स्ट फॉर्मेट में, कैसे पता चला, क्योंकि ये लेफ्ट साइड है राइट साइड नहीं है, वरना आप 2512 लिखेंगे तो राइट साइड होगा। अब देखिए राइट साइड आ गया नंबर फॉर्मेट में, क्यों, क्योंकि हमने यहां
इस आरी फंक्शन को हमने लॉन्ग डिफाइन कर दिया। तो हमने बोला कि भाई रिजल्ट चाहे जो भी आए आपको रिटर्न करना है लॉन्ग फॉर्मेट में। तो यहां पे क्या हुआ, आरी दे रहा है टेक्स्ट में, क्योंकि आरी क्या है, स्ट्रिंग है, तो दे रहा है टेक्स्ट में, लेकिन आपका फंक्शन नेम उसको कन्वर्ट कर दे रहा है लॉन्ग में। धीरज जी समझ में आया? हाँ सर, हाँ सर। तो यहां पे आप डिफाइन कर सकते हो, लेकिन याद रखिएगा फिर वो फिक्स हो जाता है। तो आप इससे पहले ध्यान रखिए कि आपका नंबर जो है, जो रिजल्ट है, वो फिक्स फॉर्मेट पे है या कोई और फॉर्मेट में, ठीक है। अब अगले तरफ बढ़ते हैं। हमने इस फॉर्मूले में, इस एग्जांपल में हमने तीन फॉर्मूले कवर किए, एससी, सीएचआर और रिप्लेस, ठीक है। अब हम बात करते हैं कुछ इसमें इन एसटीआर और एसटीआर रिवर्स, इनके बारे में बात ही क्या हो रहा है, बात करते हैं। बाकी तो ये आपका नॉर्मल है, कॉन्करेंट एंड पर्सन लगा के मर्ज कर देते हैं। फॉर्मेट आपको इससे पहले बहुत सारे जगहों पे फॉर्मेट बताया, जहां पे आप इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में जो कस्टम फॉर्मेटिंग का कोड डालते उसके अकॉर्डिंग चलता है। इन एसटीआर और इन एसटीआर रिवर्स, चलिए इसके बारे में हम बात करते हैं। हम बात करते हैं पहले इन एसटीआर के बारे में। जैसे कि मैं यहाँ पे हूँ, मैं लिखता हूँ सुजीत कुमार, और मुझे लास्ट के मैंने कि मुझे राइट नेम, फर्स्ट नेम, राइट नेम अलग करने हैं। जिसके लिए आपको याद होगा हमने टेक्स्ट फॉर्मूला में फाइंड और लेफ्ट राइट करके निकाला था। तो वो इस्तेमाल उसको हम वीवीए में कैसे करेंगे, चलिए वो हम बनाते हैं। तो फंक्शन, और हमने बोल दिया फर्स्ट नेम एफ अंडरस्कोर एन एम, यहाँ पे एन एज ए स्ट्रिंग और कॉमा सेपरेटर एस एज ए ऑल्सो स्ट्रिंग। अब यहां पे हम लिखेंगे डिम पी एज ए लॉन्ग एंड डिम आर एज ए स्ट्रिंग, और यहां पे पी इक्वल टू इन एस टी आर, और हमने बोला एस को ढूंढना है किसके अंदर, एन के अंदर स्टार्ट नंबर, नहीं यहाँ पे उल्टा कर दिया हमने, उल्टा होता है यहाँ पे, एन को ढूंढना है किसके अंदर में, वन से स्टार्ट करके एन के अंदर में ढूंढना है किसको, एस को। तो ये आपका फाइंड फॉर्मूला, जो हम फाइंड फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं ना उस तरह से वर्क करेगा, इक्वल फाइंड, इस तरह से ये फॉर्मूला जो यूज करते हैं सेम फॉर्मूला वर्क करेगा, और इसका पोजीशन, स्पेस का पोजीशन है साथ, ये साथ पी को दे देगा। फिर हम यहाँ पे आर इक्वल टू, अब यहाँ पे जरूरी नहीं है कि हर बार वेरिएबल लिया ही जाए, अब छोटा कैलकुलेशन है तो डायरेक्ट हम फंक्शन नेम के ऊपर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। एफ एन इक्वल टू राइट आर आई जी एस टी राइट, अब यहाँ पे देखिए राइट फॉर्मूला जो है एक्सेल का फॉर्मूला है, लेकिन राइट फॉर्मूला लिखने के बाद जैसे हमने ब्रैकेट ओपन किया नीचे एक्सप्रेशन आ गया, मतलब कि वीवीए को सपोर्ट करता है, तो हमें एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन वगैरह लेने की जरूरत नहीं है। और फिर यहां पे देते हैं कि मुझे एन में से इसकी कंप्लीट लेंथ, अब एन फॉर्मूला भी, लेंथ फॉर्मूला भी एक्सेल का है लेकिन डायरेक्ट वीवीए को सपोर्ट करता है, एन माइनस पी, सेम एक्सेल फॉर्मेट को हमने यहां पे लगा दिया। अब देखिए मैं यहां पे एफ अंडरस्कोर एनएम करता हूं, इसको सिलेक्ट करता हूं और सेपरेशन में मैंने स्पेस दे दिया, तो आपका नाम अलग हो गया। लेकिन इसी में अगर मान लीजिए मैं कुछ इस तरह से लिखा हो मेरा कि सुजीत कुमार न्यू दिल्ली, कुमार एट द रेट iptindia.com 8802579388, नहीं इसको हटा देते, हाँ
ऐसे बहुत सारा बड़ा नाम लिखा हुआ है, एड्रेस वेड्रेस के साथ लिखा हुआ है इसमें। हो सकता है हमें आप ये भी कर देता हूँ कि B412 इस तरह से भी दे दिया। अब मुझे इसमें से ईमेल आईडी को अलग करना है। मोबाइल नंबर मैंने इसलिए हटा दिया कि मोबाइल नंबर का डिजिट फिक्स होता है, तो आप डायरेक्टली राइट से 10 अलग कर सकते हो, बट मुझे यहाँ पे ईमेल को अलग करना है। और यहाँ पे दूसरा कोई तरीका नहीं। तो हमारे पास वीवीए में फॉर्मूला होता है इन एसटीआर रिवर्स। तो इन एसटीआर रिवर्स क्या करता है कि वो ढूंढना स्टार्ट करता है रिवर्स से, जो रिवर्स है इस रिवर्स से ढूंढना स्टार्ट करता है। और जो पहला मिलता है, तो मुझे पहला स्पेस ए मिल जाए तो इसके बाद बाकी में हटा लूं। तो चलिए इन एसटीआर रिवर्स को अप्लाई करते हैं फंक्शन के जरिए, और फिर हम ईमेल आईडी को अलग करते हैं। तो यहाँ पे फंक्शन हमने यहाँ पे लास्ट को पेमेंट कर देता हूँ एन एज ए स्ट्रिंग और कॉमा एस एज ए ऑल्सो स्ट्रिंग सेपरेशन हमारा। और यहाँ पे सर चाहे सेपरेशन मेरा न्यूमेरिक वैल्यू भी हो, हाँ कुछ भी हो वहां से अलग करेगा, वो भी मैं स्ट्रिंग कर देंगे लिखेंगे उसको। और यहाँ पे p इक्वल टू इन एस टी आर रिवर्स, इसमें आपको हाँ अब आया स्पेशन रिवर्स। इसमें हमारा किस क्या ढूंढना है, हमें ढूंढना है एस किसके अंदर ढूंढना है, तो हमें ढूंढना है इनके अंदर, और कुछ तरीके की जरूरत नहीं है। और फिर हम यहाँ पे देंगे यहाँ पे एल अंडरस्कोर एम एन एन एम इक्वल टू राइट, और फिर इसमें देंगे हम एन लेन कंप्लीट लेन माइनस इसको सिलेक्ट किया और इनवर्टेड कॉमा में एस स्पेस दे दिया। ठीक है आ गया, नहीं नहीं पूरा कैसे आ गया सर, एट द रेट नहीं दोगे अगर ईमेल का कुछ नहीं उससे मतलब नहीं है। अच्छा इन एसटीआर रिवर्स में हम उल्टा लग लग कुछ गलत कर दिए, को देखता हूँ कैसे लगाया जाता है। ओके हमने उल्टा कर दिया इसलिए दिक्कत हो रही है। हमें यहाँ पे एन करना है करेक्टर और यहाँ पे सेपरेशन, ठीक है। तो इस अल्फाबेट में ए को ढूंढेगा तो अब रिजल्ट आपका सही आएगा, ठीक है। आयाजमन सर अगर मीड जैसे सर अगर सुजीत कुमार सिंह हो और मुझे कुमार निकालना हो बीच का, तो मीड का लगेगा हाँ, तो वही कैसे करेंगे, बनाना पड़ेगा ना, सोचिए सब हम ही सोचते हैं तो फिर आपकी सोच तो रुक जाएगी ना सर। पर सर ये माइनस जो लिखा था माइनस वन माइनस फाइव और ये वीवी बाइनरी करके कुछ लिखा आ रहा था जब आप फंक्शन में जा रहे थे, तीन टाइप बेसिकली आपने इसको पढ़ा नहीं है क्या सर? पढ़ा पढ़ा है सर, तीन क्या टाइप की, वो क्या टाइप से सर? जैसे देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इनस्टा रिवर्स में बोलता है यहाँ पे कि स्ट्रिंग सब स्ट्रिंग स्टार्ट एंड कंपेयर, ये कंपेयर वाला पोर्शन सर, ये तीन जो बोल रहा चीज है कंपेयर वाला जो पोर्शन है इसमें एक क्या हो गया कि यूज कंपेयर ऑप्शन, दूसरा एक जीरो बाइनरी कंपेयरिंग और तीसरा टेक्सचुअल कंपेयरिंग, जो आप टेक्स्ट डालते हैं ना सर
मतलब कि जैसे आपने बोला कि भाई सुजीत कुमार में एस को ढूंढो, सुजीत स्पेस को ढूंढो, तो स्पेस को कंपेयर किस फॉर्मेट में करेगा? वो यहाँ पे यूज ऑप्शन कंपेयर लेगा या बाइनरी कंपेयर लेगा या फिर आपका टेक्सचर कंपेयर लेगा, लेकिन हम इसको डिफॉल्ट छोड़ देते हैं, समझ गए सर? डिफॉल्ट डिफॉल्ट क्या सिलेक्शन है? डिफॉल्ट आपका ए चलता है, आपका जीरो चलता है बाइनरी कंपेयर में। हाँ सर, ये चीजें क्या होता है, जो आपके पास जो कुछ ऐसे स्पेशल करेक्टर होते हैं जो कि कीवर्ड भी नहीं है जो होते हैं ना, हाँ जी, वहां पे ये जो आपका इसमें आपको देना पड़ता है कि टेक्सचर कंपेयर चाहिए या ठीक है, वैसे इसकी जरूरत नहीं पड़ती है ना, जरूरत लेकिन एक्शन में जरूरत नहीं पड़ती है, वो जरूरत पड़ती है जैसे कि बहुत सारे सॉफ्टवेयर से डेटा जब आता है ना तो कोड में होता है। कोड कौन सा कोड? जैसे कि इंटेलिजेंस जब कोई रिपोर्ट भेजती है तो उसको डायरेक्ट सिंपल तो नहीं भेजती है ना, उसको कुछ इस तरह से तोड़ मरोड़ के भेजती है, तो डिकोडिंग करना होता है ना, तो डिकोडिंग टाइप में जब इसका इस्तेमाल होता है सर। बट मैं कहीं पता नहीं, मैंने अभी रिसेंटली तो नहीं पढ़ा, काफी टाइम पहले पढ़ा है, बाइनरी और टेक्स्ट में भी थोड़ा सर ये काफी कई जगह पे हैवीली यूज होता है। हाँ फर्क होता है दोनों में, जैसे आपने ए लिखा ना तो ए के बाद वो बाइनरी फॉर्मेट है या टेक्स्ट यूनिकोड टेक्स्ट फॉर्मेट है, वो सब में डिपेंड करता है। इसके लिए आप जो है यहाँ ये कर सकते हैं, मदद मिल सकता है आपको, जैसे आपने ए लिख दिया ना और एक स्मॉल ए लिखा है, वो तो स्काई वैल्यू के डिफरेंस हो गया, फिर हमने यहाँ पे कैर लिख दिया, तो कैर नहीं मार सकता कोड, ये कोड होगा। एक और फॉर्मूला आप देखेंगे अपने सिस्टम में होमलाबाड़ में, यूनिकोड, ठीक है आप यूनिकोड वैल्यू देती है, तो इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे करेक्टर होंगे जिसमें इन दोनों में डिफरेंस हो जाएगा। हाँ सर, ये ना डेटा कंपैरिजन के लिए यूज होता है, जैसे अगर मेरे को एक टेक्स्ट दूसरे टेक्स्ट के साथ कंपेयर कराना है, मान लीजिए आपने कैप्स में लिख दिया एबीसी, क्या वो स्मॉल एबीसी से इक्वल है कि नहीं है? स्मॉल, हाँ स्मॉल में भी लिखेंगे वही आएगा, मतलब कि ये अलग हो गया, यूनिकोड और स्मॉल और कैप्स तो ये अलग चीज है, ये चीज हाँ ये यूनिकोड एंड कोड होता है। यूनिकोड जैसे नोटपैड पे जो आप फाइल सेव करते हैं कुछ भी लिख के, किसमें सेव होता है? यूनिकोड में सेव होता है। अगर आप किसी एक वर्ड में फाइल सेव करते हैं तो वो यूनिकोड में सेव होता है और टेक्स्टर में सेव होता है, टेक्स्ट में। हाँ, और किसी डॉस पे अगर फाइल को सेव करते हैं, एमएस डॉस पे या फिर जो आपका डॉस पे कोई भी सिस्टम है उस पे सेव करते हैं तो वो बाइनरी फॉर्मेट में सेव होता है। हाँ जी सर, ये फर्क होता है, इस पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, इस पे दिमाग लगाना मतलब वेस्ट ऑफ टाइम है, समझे? क्योंकि उतना डीपली आप लोग प्रोग्रामिंग करेंगे नहीं ना, आप लोग को तो रिपोर्ट ऑटोमेशन करना है ना, जो माइक्रो प्रोसेसर वगैरह डिजाइन करते हैं उनको इस तरह चीज को फर्क रखना नहीं सर, ये मैंने रिपोर्ट में कहीं देखा है कोड, क्योंकि अगर आपके पास एक डेटाबेस है मान लो और आपको डुप्लीकेट वैल्यू निकालनी है और न्यूमेरिक वैल्यू ही अगर टेक्स्ट में लिखी है और एक न्यूमेरिक वैल्यू नंबर्स में लिखी है, तो डेटा कंपेयर करने के लिए ये डुप्लीकेट फाइंड आउट करने के लिए है कि क्योंकि ये कोड यूज करेंगे अगर एबीसी इज नॉट इक्वल टू एबीसी आ रहा है कैप्स में और उसमें, तो हाँ फाइंड आउट करने के लिए कि क्या सेम वैल्यू आ रही है आपके डेटा में या नहीं आ रही। एक्सेल में ही मैंने कहीं देखी है किसी को यूज करते हुए, आपके लिए सर, इसलिए मैं इसको आगे बढ़ते हैं सर। उसके बाद जो फॉर्मूले हैं वो खास बड़े खास इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे कि एल केस मतलब लोअर केस में कन्वर्ट करेगा, लेफ्ट लेफ्ट से निकालेगा जो एक्सेल का फॉर्मूला है, ट्रिम एक्सेल का फॉर्मूला, लेकिन एल ट्रिम क्या लेफ्ट से ट्रिम करेगा, मिड आपका जो एक्सेल का मिड फॉर्मूला है रिप्लेस बता ही दिया, राइट बता ही दिया आपको, आर ट्रिम वो ट्रिम करेगा राइट से, स्पेस जितना भी नंबर, जैसे ये आपको याद है रैप फॉर्मूला पढ़ाया था मैंने आपको,
याद है आशीष जी, रिपीट करने के लिए हाँ रैप फॉर्मूला में देते हैं कि हमने 5 बार रिपीट कर दिया, हाँ रेपिटेशन कर देता है। स्पेस भी उसी तरह का काम करता है, लेकिन वो 5 बार स्पेस दे देगा आपको, ठीक है। ये आपका स्ट्रिंग है, नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है। एक स्प्लिट है, स्प्लिट के ऊपर देखिए क्या है, आपने पढ़ा होगा स्प्लिट को, तो स्प्लिट एक बार आपको मैं समझा देता हूँ। स्प्लिट क्या है, स्प्लिट ये है आपका, जैसे कि आप कोई नाम लिखते हैं ना, उसको स्पेस के बिहाफ पे अलग अलग सेल में तोड़ देता है, या कोई डॉट है आपका, या कॉमा है, सेमी कॉलन है, जो एक किसी स्पेशल कैरेक्टर से सेपरेट है आपका, उसको अलग अलग सेल में तोड़ देता है। सर जैसे टेक्स्ट टू कॉलम का एग्जांपल जो वो जो हम करते हैं, तो सर ये अगर हम एक सेल में फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या ये अलग अलग नहीं, सेल्स में कंट्रोल शिफ्ट एंटर मारने पड़ेंगे। ओके, तो ये एरे टाइप का है ना। हाँ एरे टाइप का है, ट्राई करके देखिएगा, नहीं होगा तो बता दूंगा आपको मैं। और इन str क्या, str क्या करता है, जैसे आपने 12 दिया इन द नंबर फॉर्मेट में, वो टेक्स्ट फॉर्मेट में रिटर्न करता है। और ये आता है str compare, अभी इसकी कंपेयर मैं आपको बताता हूँ, सर सिंपल फॉर्मूला है, देखिए आप देखिए str com, ठीक है ना, इसका इसका काम है आपका फंक्शन इंटीग्रेट कंपेरिजन वगैरह करता है, जैसे दो सेल में देखिए, जैसे एक टेक ऑन द नेट है और टेक ऑन द नेट है, इसका रिजल्ट जीरो आएगा, क्योंकि इसके बीच में कोई डिफरेंस वैल्यू नहीं है, सेम का सेम है। अब जैसे यहाँ पे लिख दिया टेक ऑन द नेट, यहाँ पे दिया हमने ए बी सी, तो ये आपको यहाँ पे दिखा रहा है कि इसमें से ए बी सी में से एक कंपेयर जो हो रहा है, एक कंपेयर हो रहा है। हाँ सर यही कहीं किसी ने यूज किया था, यही वाला फॉर्मूला। माइनस वन कंपेयर नहीं हो रहा है, मतलब यहाँ पे जाए आपको देगा नल, नल माइनस वन एंड जीरो। जीरो कब देगा, जब पूरी तरह से कंपेयर हो जाएगा। वन कब देगा, जब पार्टली कंपेयर होगा। माइनस वन कब देगा, जब कोई कंपेयर नहीं। नल मतलब ये फॉर्मूला पर्सनली कंपेयर लाइक कुछ मिला ही नहीं, ठीक है। तो जब ये कंपेयर करेगा, से देखिए यहाँ पे कंपेयर कर रहा है, एबीसी कंपेयर कर रहा है ना, तो एबीसी को तोड़ दे रहा है, ए को कंपेयर कर रहा है, बी को कंपेयर कर रहा है, सी को कंपेयर कर रहा है। तो इसमें देखिए इसमें इसमें क्या है, ना ए है ना बी है, इसमें सी कंपेयर हुआ है तो सी इसमें दे रहा है। एक्स वाई जेड कोई नहीं है जिसे माइनस वन दिया है, तो कंपेयर के लिए होता है। और दूसरा जो फॉर्मूला आपका आता है एस टी आर कॉनवी, आपको मैं बताया था ना सर आपको अभी थोड़ा देर पहले कि एल केस लोअर केस में कन्वर्ट करता है, यू केस अपर केस में कन्वर्ट करता है, राइट सर। तो प्रॉब्लम क्या है कि दोनों अलग अलग फॉर्मूला है, प्रॉपर केस के लिए नहीं है फॉर्मूला, तो ये आप एस टी आर कन्वेंस देंगे तो इसमें आपको कन्वर्ट कर देगा। जैसे वन आपने दिया एस टी आर कन्वेंस टेक्स्ट डाला, वन दिया तो उसको अपर केस में करेगा, टू दिया तो उसको लोअर केस में करेगा, और थ्री दोगे तो उसको प्रॉपर केस में करेगा। नंबर के अलावा आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं, ये देखिए अपर केस, लोअर केस, प्रॉपर केस, यूनिकॉन्टेक कोड एंड फॉर्मुलिकन कोड। नीचे दोनों का यूज नहीं होता, ऊपर तीन का यूज होता है, एक ही फॉर्मूला सब पे काम करता है। अब यह है आपका एस टी आर रिवर्स। अब देखिए ये फॉर्मूला क्या करता है, नया फॉर्मूला आया है, पहले मैंने फॉर्मूला यूज नहीं किया, आई थिंक रिवर्स करता है। हाँ ये रिवर्स करता है, वर्ड को पलट देता है। इसका यूज हम लोग सी हम प्रोग्रामिंग करते थे तो उसमें हम लोग सीखते थे। सर सर आपने सी भी किया है? मैंने एमफिल कंप्यूटर साइंस से किया है, तो सी नहीं किया होगा मैंने। अरे सर फिर तो
सी, जावा, पैथन, .NET, सी हैश, पीएचपी, सब किया है। इन बाकियों से तो सर जावा, इन बाकियों से तो सर जावा थोड़ा टफ है। जावा के दो है, एक जावा आपका कोड जावा है, लेकिन जावा अब टफ नहीं हुआ है सर, क्योंकि पहले क्या था कि सारे नोट पर प्रोग्रामिंग करनी पड़ती थी, लेकिन अब जावा स्टूडियो आ गया है तो दिक्कत नहीं होती है। अब जावा अगर आप सीख जाते हैं तो आपको एंड्रॉयड पे काम करने, एंड्रॉयड एप्लीकेशन क्रिएट करने में आपको बहुत मदद मिलेगी सर। एंड्रॉयड एप्लीकेशन जावा पे ही डिपेंड है, क्योंकि जब सी और सी प्लस प्लस में सर ये पूरा स्ट्रिंग वगैरह ये सारी कोडे लगभग उसी से तो बनी हुई है ना। ये सी तो मदर ऑफ द ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा गया है, सी को, सी से ही तो सारे प्रोग्रामिंग का जनक है, और सारे प्रोग्रामिंग में मेथड सेम है, लूप हर प्रोग्रामिंग में, हर जावा में भी है, सी में भी है, सी प्लस प्लस में भी है, लूप पैथन में भी है, उसमें भी है, बस करने का तरीका जो है। तो ये आपका, हाँ तो ये हो गया आपका ट्रीम, पता है यूकेएस। हाँ वेल, वेल फॉर्मूला देख लीजिए क्या करता है, ये बहुत अच्छा फॉर्मूला है। जो अभी आपने नंबर को स्ट्रेक किया है ना, नंबर स्ट्रेक करने का फॉर्मूला लगाया था, वो फॉर्मूला की जगह पे आप वैल का फॉर्मूला लगा सकते हो, वो नंबर को अलग कर देगा। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है कि इसके पहले जो नंबर लिखा रहता है उसी को अलग करता है। देखिए कोई कोई मान लीजिए कोई एड्रेस में स्ट्रीट हाउस नंबर और आपका एड्रेस लिखा हुआ है, तो हाउस नंबर को स्ट्रैक कर सकते हैं, मतलब कि कोई भी सेल नंबर से स्टार्ट हो रहा है बाद में टैक्स ऐड हो जा रहा है, तो उस केस में आप वैल का फॉर्मूला लगाएंगे तो वो आपका नंबर कन्वर्ट हो जाएगा, नंबर उसका स्ट्रैक कर देगा, पहला। दूसरा, कोई भी नंबर टैक्स फॉर्मूला, एक्सेल का जो वैल्यू फॉर्मूला था वो वैल्यू फॉर्मूला की तरह भी ये काम करता है, कि अगर मान लीजिए इसके अंदर में कोई नंबर इन द टेक्स्ट फॉर्मेट में दिया हुआ है तो इसको नंबर में कन्वर्ट करते हैं, और इसका यूज हम यूजर फॉर्म पे बहुत करते हैं, ध्यान रखिएगा, क्योंकि यूजर फॉर्म पे हमें टेक्स्ट बॉक्स में कुछ नंबर देते हैं तो बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट होता है। तो इस पे आप लोग अपने हिसाब से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और कल हम बात करेंगे डेट एंड टाइम फंक्शन पे, तो आप लोग डेट एंड टाइम फंक्शन को भी पढ़ लीजिएगा। सर एक चीज है, आपने एक सी स्ट्रिंग करके भी कहीं एक बार पढ़ाया था, CSTR आगे आएगा, आगे आएगा, इसी लिस्ट में है नीचे फॉर्मूला दिया हुआ, सारे स्ट्रिंग में नहीं है, वो स्ट्रिंग में नहीं है, स्ट्रिंग में नहीं है, वो डेटा कन्वर्जेंस फॉर्मूला है, मतलब कि किसी भी डेटा को किसी एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट, ठीक है, डेटा कन्वर्जेंस फॉर्मूला में लिस्ट में आएगा, ठीक है सर। Okay, bye. See you tomorrow, same time.